पधारो मारे देश की मधुर धुन पर अतिथियों का स्वागत करता राजस्थान अपने वैभवशाली किलों के लिए दुनिया में मशहूर है। साथ ही रेगिस्तानी इलाकों में ऊंटों की सवारी पर्यटकों को राजस्थान का दीवाना बना देती है, लेकिन पानी की कमी के चलते क्षेत्र के किसानों के लिए झूमती लहलाती फसल एक सपना से रेखी है, पर आज भी है जोधपुर में बने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के रूप में। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। देश के क्षेत्रफल का करीब 12% हिस्सा शुष्क है। रेगिस्तानी इलाकों में किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ किसानों को तकनीक से लैस करने के लिए सरकार ने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की शुरुआत की। अब ये संस्थान किसानों के लिए लाइफ लाइन बन चुका है। आज अपनी इस खास पेशकश में आपको बताएंगे इस संस्थान के बारे में। क्या आप जानते हैं कि देश के भौगोलिक मानचित्र पर करीब 31 मिलियन हेक्टेयर गर्म रेगिस्तान और 7 मिलियन ठंडा रेतीला इलाका है। यहाँ खेती की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। वैसे भारत के शुष्क क्षेत्र में तमाम दूसरे देशों के रेगिस्तानी इलाकों के मुकाबले ज्यादा आबादी रहती है। ऐसे में इन इलाकों में खेती को आमदनी का जरिया बनाने की कोशिशें कई दशकों से कर रहा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी। काजरी की तमाम पहलों ने यह साबित किया है कि अगर तरीका वैज्ञानिक हो तो खेती घाटे का नहीं बल्कि मुनाफे का बेहतरीन जरिया बन सकती है। तो आपको लिए चलते हैं काजरी के कैंपस में। 62 वर्षों का गौरवशाली इतिहास समेटे हुए यह संस्थान संबल है उस उम्मीद का कि रेतीले इलाकों में भी लोग खेतीबाड़ी से दो वक्त की रोटी ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं। काजरी द्वारा नई नई तकनीकी, नए नए बीज, नए नए अनुसंधानों से प्राप्त जानकारी हमारे को उपलब्ध करा रहे हैं। से हमारे को करीबन 1.5 गुना 1.5 गुना तक उत्पादन इन बीजों से ज़्यादा मिल रहा है और ये कम टाइम में पक रहे हैं, कम पानी में पक रहे हैं। इससे हमारी ये पश्चिमी राजस्थान की समस्या काफ़ी सॉल्व हुई है। 2003 से ही काजरी से जुड़ा हूँ। जो भी काजरी नए नए तरीके बताते हैं उसके अनुसार मैं मेरे खेत के अंदर 1 हेक्टर में बेर का बगीचा है, आंवले हैं, गूंदे हैं, 300 पेड़ कुमट के हैं और कम से कम आज मेरे बगीचे के अंदर 30-32 किस्म के पेड़ पौधे हैं। मैं मूंग, माट, बाजरा, गेहूँ जो भी बीज वो लोग बताते हैं वही मैं बताता हूँ, तो बोलिए जी बहुत अच्छी आमदनी होती है और बहुत अच्छी पैदा होती है। इस समय पर जानकारी मिल रही है तो मेरी आय पहले 5 लाख की थी, अभी 15 लाख के आसपास मेरी आय मिल गई है, तो मैं ग्रुप में खेती करवाता हूँ। शुरुआत में मैंने वो पौधे लगाए थे जब मेरी इनकम करीब 2-2.5 लाख थी। आज जब मैं उस खेत से टोटल इनकम का हिसाब देखती हूँ तो मुझे करीब 7 लाख के करीब इनकम पैदा होती है
और आसपास के गांव के लोग जो किसान भाई है, किसान बहनें हैं, मेरे यहां आते हैं और मेरे से पूछ के जाते हैं, देख के जाते हैं और उस चीज़ को वो खुद भी अपने खेत के अंदर अपना के अपनी आय को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के रेगिस्तानी इलाकों में बेहतरीन किस्म के अनार फलों का उत्पादन, खेती बाड़ी में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल और बाजरे की फसल से बने खाद्यान्न, ये सब संभव किया है काजरी ने। इस संस्थान ने नई तकनीक विकसित कर पलायन पर भी अंकुश लगाया है। फिलहाल रफी अहमद किदवई पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर ओपी यादव इस संस्थान की अगुवाई कर रहे हैं। इनका जोर कृषि क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाना है। पारंपरिक खेती की एक विशेषता ये थी कि उसकी उत्पादकता बहुत कम थी। आज के दिन आदमी की ज़रूरतें बढ़ी हैं, खेती के माध्यम से उसको का परिवार भी पालना होता है, साथ में जनसंख्या बढ़ने की वजह से ज़मीन के जो फ्रेगमेंटेशन हो गया, कुछ जो एक परिवार में पहले 50 एकड़ थे, आज के दिन उस परिवार के कुछ सदस्यों के बीच में 2 एकड़ का हिस्सा आता है। इस तरह से जो पारंपरिक खेती के जरिए जो उसकी उत्पादन है वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में असफल रहता है। इसलिए जो आपके नए ज्ञान है, नया कृषि में विज्ञान के तहत हमारी नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको हमें किसान के खेत तक पहुंचाना ज़रूरी है। पश्चिमी राजस्थान में बढ़ती आबादी और घटती आय किसानों की मुश्किलों को बढ़ाते रहे हैं। ऐसे में काजरी किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। ये संस्थान किसानों को प्रशिक्षण और वैज्ञानिक जानकारी मुहैया कराता है। इस क्षेत्र के लिए इस इंस्टीट्यूट का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। इन्होंने इस क्षेत्र में उगने वाली जो फसलें हैं उनकी नई नई वेराइटीज़ इन्होंने डेवलप की है और जो कैपेसिटी है पर एरिया के हिसाब से वो उसको बढ़ाने का प्रयास किया है ताकि किसान को कम भूमि में ज़्यादा उत्पादन हो सके। और इस इंस्टीट्यूट के साथ दूसरे जो विंग्स हैं वो भी अलाइड जो विंग्स हैं, हॉर्टिकल्चर का है, इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री का है, लाइव स्टॉक सेक्टर का है, वो भी उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। और इस क्षेत्र में जैसे जीरा है, ईसब गोल है, इस तरह की कई फसलें इस क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक हैं, तो इनको देखते हुए इन्होंने अच्छी वेराइटीज़ विकसित की है और उससे लाभान्वित हो रहे हैं यहाँ के किसान भी और पशुपालक भी। काजरी की स्थापना का इतिहास दिलचस्प है। 50 के दशक से बढ़ते रेगिस्तान ने सरकारों की चिंता बढ़ा दी थी। संभावना जताई गई थी कि रेगिस्तान धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान से बढ़कर कभी दिल्ली तक पहुंच सकता है। रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए जोधपुर में 1952 में डेजर्ट अफॉरेस्टेशन रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई। बाद में मृदा संरक्षण का काम भी इस स्टेशन को दिया गया। हालांकि बाद में जरूरत महसूस की गई ऐसे संस्थान की जो पश्चिमी राजस्थान जैसे रेतीले और ऊबड़ खाबड़ इलाके में भी उन्नत खेती बाड़ी की संभावनाओं को तलाश सके। 1959 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। आज जोधपुर में मुख्यालय के अलावा इस संस्थान के देश के 5 स्थानों पर रीजनल स्टेशन्स हैं। एक रीजनल स्टेशन लेह में, दूसरा बीकानेर में, तीसरा जैसलमेर में, चौथा पाली में और 5वां रीजनल स्टेशन है गुजरात के भुज में। इन स्थानों के वातावरण की अनुकूलता के मुताबिक ये रीजनल स्टेशन क्षेत्र के किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। कि शुष्क क्षेत्र जहाँ भी हैं वो हमारे डोमेन में आते हैं, लेकिन विद इन एरिड इकोसिस्टम इतनी ज़्यादा वेरिएशन है सॉइल टाइप में, टेम्परेचर में, विंड स्पीड में, वहाँ के लोकल प्रैक्टिसेस में, कि इसलिए जो रीजन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए इस संस्थान के 5 जगह क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी बनाए गए हैं। उच्च पैदावार की किस्में, अच्छे उर्वरक और कीटनाशक मुहैया कराकर खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के साथ ही काजरी युवाओं को कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए भी प्रशिक्षण दे रहा है।
खेती को रुचिकर बनाने के लिए एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हमने बनाया है, वहाँ हम एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर रहे हैं। और ना केवल यहाँ पे, पूरे देश में हमारी 104 संस्थान हैं, हर स्टेट में फैली हुई हैं, और वहाँ पे हर जगह FPO के माध्यम से, एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर के माध्यम से हम युवाओं को जोड़ रहे हैं। और ना केवल युवाओं को बल्कि उन किसानों को भी जो आगे बढ़कर कुछ नया करना चाहते हैं, और संभावनाएं असीम हैं। और अगर आज के दिन आप मुझसे पूछें, एक किसान का बेटा होने के नाते और एक वैज्ञानिक होने के नाते, कृषि में आय किसी भी लिहाज से कम नहीं है अगर आप उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाते हो। अपने अनुसंधानों से काजरी ने रेगिस्तान में उन्नत खेती की अलग जगाई है। उपराष्ट्रपति हाल ही में काजरी पहुंचे, जहां उन्होंने वैज्ञानिकों की ओर से विकसित नई तकनीकों को देखा, साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना भी की। उपराष्ट्रपति ने काजरी परिसर का दौरा किया। वो उन खेतों में भी गए जहां नई उन्नत किस्मों की फसलों पर अनुसंधान हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने काजरी की ओर से कृषि क्षेत्र में किए गए अनुसंधान और नवाचारों को समझा। संस्थान की ओर से बाजरे से तैयार किए गए उत्पादों का भी उपराष्ट्रपति ने स्वाद लिया और सराहना की। उन्होंने काजरी की ओर से विकसित प्रोडक्ट और सौर ऊर्जा संयंत्र केंद्र का निरीक्षण कर वैज्ञानिकों से संबंधित जानकारी ली और कहा कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जानकारियों का बेहतर तालमेल होना चाहिए। एरिड रीजियंस आर यूनिक एग्रो इकोसिस्टम्स, आई हैव सीन इट एंड यू आल्सो एक्सप्लेन्ड, सो वी नीड टू डेवलप बिकॉज़ दे हैव अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। आई एम हैप्पी यू आर डेमोंस्ट्रेटिंग इट। Plants, animals, and microorganisms are well adapted to harsh environmental conditions. These regions are home to a wealth of traditional knowledge or technology. वो बीच में synergy लाना ये बहुत जरूरी है। This is what is required. We have abundant traditional knowledge. We have to again get it and mix it along with the technology. So as to accelerate the development. उपराष्ट्रपति ने न सिर्फ रेतीले इलाकों में बल्कि देश के सभी हिस्सों में जल संरक्षण पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि जो आधुनिक अनुसंधान है वो सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित ना रहें, बल्कि किसानों तक उनका लाभ पहुंचना बेहद जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने काजरी परिसर में राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ पौधारोपण भी किया। योर इंस्टीट्यूट इज डूइंग अ ग्रेट वर्क। आई सॉ माय फॉर मायसेल्फ नाउ द डेमोंस्ट्रेशन दैट हैव गॉन थ्रू द फील्ड्स। विजिटिंग फील्ड इज मोर एजुकेशन देन सिटिंग इन ए लैब, सो दैट्स व्हाई आवर पीपल से लैब टू लैंड। Confining knowledge to the laboratories is not of much use. You must transfer it to the people by bringing people here or by your going there. That's why I was telling all these agriculture MSc, MSc, BSc students, half time in the class, remaining half time in the field. That is what is required to be done in the future. संस्थान में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। काजरी की उपलब्धियों पर खुशी जाहिर करते हुए उपराष्ट्रपति ने किसानों से कृषि को टिकाऊ बनाने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाने की सलाह दी। इन्होंने सौर ऊर्जा में नए प्रयोगों के लिए संस्थान की सराहना की। दरअसल काजरी कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन अनुसंधान करने वाला संस्थान है,
जिसने बीते बरसों में नई उपलब्धियां हासिल की हैं। खास तौर पर सौर ऊर्जा क्षेत्र में काजरी ने किसानों के लिए उपयोगी तकनीक को विकसित किया है। सौर ऊर्जा उत्पादन के नजरिए से राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां अनुकूल हैं। अब इस क्षेत्र के किसान सोलर एनर्जी के हर प्रक्रम को उपयोग में ले रहे हैं। जिस तरह से हमने जो चीज़ें यहाँ बनाई है, सोलर ड्रायर है, सोलर कुकर है, किसान उसको बहुत अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं और वो अपने घर में उपयोगी चीज़ों को सुखाते हैं और फल और सब्जियाँ सुखाकर वो व्यापार भी करते हैं। दूसरी बात, अभी हमने जो अभी वर्तमान में जो अनुसंधान किया है, जिसमें हमने एक प्रयोग करके बताया है कि किसान अपने खेत के ही क्षेत्र के अंदर ऊपर एक सोलर एनर्जी का छोटा सा पावर प्लांट लगाए, जितना बड़ा उसका क्षेत्र है उसके आधे क्षेत्र में वो पावर प्लांट लगेगा, जिसको हम जो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री वोल्टेक सिस्टम कहते हैं। और उस एग्री वोल्टेक सिस्टम में किसान अपने उसी क्षेत्रफल में बिजली भी पैदा कर सकता है और उसने उसके आधे भाग के अंदर वो फसल उगा सकता है, तो ये उसको डबल मुनाफा होता है। किसानों के लिए सबसे अहम है बेहतर उर्वरक। पश्चिमी राजस्थान ही नहीं बल्कि देश को उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्थान की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि पोटेशियम और फास्फोरस से जुड़ा हुआ उर्वरक हम करीब 62,000 करोड़ का आयात करते हैं। अब इस जो आयात है उस पर निर्भरता को कम करने के लिए काजरी में एक नई तकनीक विकसित की गई है और हम जानते हैं उस तकनीक के बारे में डॉक्टर नवरतन पवार साहब से। सर, क्या नई तकनीक ईजाद की गई है जिससे कि देश की निर्यात पर जो निर्यात को बढ़ाया जा सके बल्कि आयात पर निर्भरता कम की जा सके? ऐसा है, जैसा कि आपने बताया कि लगभग फास्फोरस और पोटाश जो उर्वरक है उसका लगभग हम सालाना 65,000 करोड़ का आयात करते हैं। इसका मेन कारण ये है कि हमारे यहाँ पे जो इसके मिनरल्स हैं वो लो क्वालिटी के हैं, मतलब उनकी इस तरह की क्वालिटी नहीं है कि हम उससे उर्वरक बना सकें। हम उनको क्या कर रहे हैं कि लो क्वालिटी मटेरियल को प्रोसेस करके और उनसे मिनरल बना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस उर्वरक से जब हम खाद बनाते हैं प्रोसेस करने के बाद में, उस दौरान हमारे ह्यूमिक एसिड भी बनता है और ये ह्यूमिक एसिड भी हम लोग रसिया, चाइना और विदेशों से आयात करते हैं। तो एक बात ये होगी कि जो ह्यूमिक एसिड की जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट ही आप इस उर्वरक को बनाने की जो फाइनल कॉस्ट होती है उसको जीरो कर देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस उर्वरक को बना करके हम सब्सिडी को भी एक तरह से निजात पा सकते हैं। अच्छा, सब्सिडी से निजात पाई जा सकती है, ये इसके बारे में ज़रा बताइए सर। ये जो लिग्नाइट है ये क्या है? एक्चुअल में ये जो लिग्नाइट है लगभग 60-70% ऑक्सीडाइज कोयला होता है जिसकी एनर्जी वैल्यू बहुत कम होती है। हम इसमें इस कोयले को प्रॉपरली लिग्नाइट को भी यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, लिग्नाइट के ऊपर का लगभग 1.5 मीटर का जो एरिया होता है जिसमें उसकी ऑक्सीजन जो परसेंटेज होता है 70% के करीब रहता है, तो जिससे क्या होता है कि उसकी एनर्जी वैल्यू और कम हो जाती है और वो लिग्नाइट की जो माइंस होती हैं वहाँ पे एक बर्डन रहती है, मतलब एक तरह से कहा जाए वेस्ट मटीरियल। तो जो ऊपर का ओवरबर्डन मटीरियल होता है जो 1.5 मीटर के करीब है, जिसको जो लगभग भारत में 2.4 बिलियन टन के करीब उपलब्ध है, सिर्फ ऊपर का 1.5 मीटर की लेयर की बात कर रहा हूँ, मैं लिग्नाइट की बात ही नहीं कर रहा, तो वो हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से फेल्सपार है, अपने यहाँ पे लो क्वालिटी होती है जो लगभग 550 के करीब मिलियन टन के करीब उपलब्ध है। लो क्वालिटी होने के कारण इसके एग्रीकल्चर में यूजेस कम है और दूसरा इसके आपस में केमिकल बॉन्ड इस तरह से होते हैं कि मिट्टी में अगर आप डायरेक्टली देते हैं तो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता। इसी तरह से आपका जो रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट भी इसी तरह की है, लो क्वालिटी है, उसको भी हम डायरेक्ट फील्ड में देते हैं तो उसकी उपलब्धता होती है लेकिन धीरे धीरे होती है। लेकिन इस प्रोसेस से अगर हम जो ये फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं, तो इससे आप जो उर्वरक पर निर्भरता है, विदेशी निर्भरता, उसको हम कम कर सकते हैं। पानी को संरक्षित करने की एक बहुत साधारण सी तकनीक आपने ईजाद की है, ये इसके बारे में ज़रा बताइए। ऐसा है, हम जो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे पानी की बहुत महत्व है। हम जो जितना भी रूफ टॉप से, मतलब छत से जो पानी इकट्ठा होता है, और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं, तो हर खेत में लगभग कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिग्गी बना रहता है, तो उस डिग्गी के ऊपर अगर हम थर्मोकोल बॉल्स, सबसे सस्ती चीज़ है जिसको यूज़ कर सकते हैं, और ये हमने किसानों के डिग्गीज में उपयोग करके भी देखा है, इससे लगभग, मतलब ये कह सकते हैं कि 5 से 7 हज़ार के इन्वेस्टमेंट पे आप 40 से 50 हज़ार रुपये का
प्रॉफिट ले सकते हैं, किस तरह से कि आपको पानी की सिंचाई के लिए लगभग 3 से 4 सिंचाई आप एक्स्ट्रा इससे पानी मिल जाएगा, अदरवाइज़ वो धूप के कारण उड़ जाता है और ये वाइट लेयर है तो रिफ्लेक्ट होती रहती है हीट, सबसे बड़ी चीज़ यही है और सबसे सिंपल जी। तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो नई तकनीक है वो किसानों तक पहुँचाने की कोशिश है। अब आपको लिए चलते हैं, आपको दिख रहे होंगे मेरे पीछे बाजरे के खेत हैं, इसकी जो फसल है ये कई इलाकों में होना कम हो गई मुनाफे के चलते कि इसमें उस तरीके का मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन बाजरे के खेत से आप किस तरीके से अपनी जो आय है उसे बढ़ा सकते हैं। बहुत बेहतर इस्तेमाल किया है काजरी में, बाजरे की जो फसल है उससे हम चॉकलेट बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं और तो और जो नमकीन है वो भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी की बना सकते हैं। तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरीके से बाजरे का इस्तेमाल किया गया है काजरी में। प्रो हेल्थ कुकीज़, हेल्दी चॉकलेट, आपको भरोसा है? नहीं है तो हम अब काजरी की पोस्ट हार्वेस्ट लैब में हैं और यहाँ आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बाजरा के बिस्किट हैं। बाजरा आपने ज़रूर सुना होगा खेतों में और इसी बाजरा और नारियल से मिले जुले ये बिस्किट हैं। इसके अलावा चॉकलेट, आप यकीन मानिए मैं खा चुका हूँ, बहुत शानदार चॉकलेट है। जानते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि यहाँ किस तरीके से तैयार होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अपना डॉक्टर सोमा श्रीवास्तव जी। सोमा जी, ये बताइए कि क्या प्रोसेस है जब बाजरा, रॉ बाजरा आया, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं इसका? जैसा कि हम जानते हैं कि बाजरा का विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, विश्व में भारत बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसके अलावा मूंग, मोट, गवार, ये सब शुष्क क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं जिनमें बहुत कम पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो फसलों को तैयार होने के बाद सबसे मुख्य जो प्रसंस्करण का तकनीक होती है उसमें हमारे लिए जैसे बिस्किट बनाना या चॉकलेट बनाना जिसको सभी आयु वर्ग के लोग खा सकते हैं, तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाजरा आधारित बहुत से प्रसंस्कृत उत्पादों का विकास किया है। जैसे मैं आपको सबसे पहले अपने पहले उत्पाद पे ले चलती हूँ। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये पर्ल बाजरा बिस्कुट बनाए जाते हैं। आटे को लेकर के जिस प्रकार से बिस्किट बनाने की तकनीक होती है उसमें सबसे पहले हम इस डो नीडिंग मशीन के द्वारा बाजरा, दूध, चीनी, कोकोनट पाउडर, तिल, इलायची पाउडर इत्यादि अवयवों को डालते हैं और इस डो नीडिंग मशीन में जिसमें हम लगभग 10 से 15 किलो आटे को एक बार में नीड कर सकते हैं, इसमें हम आटे को तैयार कर लेते हैं। आटा जो तैयार हो जाता है उसको हम रोलिंग मशीन में यहाँ पर फीड करते हैं। अच्छा, यहाँ फीड करने के पश्चात वह आटा जो है वो एक चपटे आकार में शीट के रूप में तैयार हो जाता है और इस स्थान पर हमें बिस्किट की कटिंग भी साथ साथ करनी होती है। कटे हुए बिस्किट्स को हम ट्रे में डालते हैं, इस तरह की हमारे पास ट्रे हैं। हमारे पास लगभग 1 लाख रुपए की लागत का जो ओवन है उसको दिन भर में चला करके आप अगर आप 5-6 राउंड उस ओवन को चलाते हैं तो आप 15 से 20 किलो बिस्कुट एक दिन में आराम से तैयार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। चॉकलेट के लिए क्या तकनीक का? चॉकलेट का भी बहुत आसानी सा ही प्रसंस्करण का जो विधि है वो बहुत उसकी आसान है। और चॉकलेट में देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो सभी को पता है कि एक बेसिकली कोको बेस्ड प्रोडक्ट होता है, तो इसके लिए हमें कोको पाउडर, फैट्स, शुगर और इसके अलावा जो भी हम ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, तथा हमारी चॉकलेट भी स्पेशलिटी है कि इसमें हम पर्ल मिलेट के फ्लेक्स यूज़ करते हैं। काजरी में शुष्क क्षेत्र में होने वाली फसलों से नए उत्पाद समेत कई बेहतरीन पहल की गई है। ये अनुसंधान अपनी विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं की बदौलत ही मुमकिन हो सका है। हॉर्टिकल्चर पर भी संस्थान ने नए आयाम हासिल किए हैं। राजस्थान के किसान अनार की बंपर पैदावार कर रहे हैं, वहीं खजूर और पेड़ समेत कई बागवानी के उत्पादों ने राजस्थान की पहचान बदली है। जो इम्पोर्टेंट सिस्टम इस इंस्टीट्यूट का है, इन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए भी सिस्टम डेवलप किया है, सोलर एनर्जी के लिए भी सिस्टम डेवलप किया है।
तो एक्चुअली एग्रीकल्चर फार्म्स वगैरह हैं, इनमें काफ़ी लैंड है हमारे पास, वहाँ पर जैसे सोलर पंप्स वगैरह रेगुलरली लग जाते हैं, सब जगह सोलर सिस्टम डेवलप कर देते हैं, तो किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ रहेगी। पॉलीहाउस खेती में एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से ऑफ सीजन में भी सब्जियों और फूलों की खेती आसानी से की जाती है। ये तकनीक प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में असरकारक साबित हुई है। काजरी के वैज्ञानिकों ने इस तकनीक को रेगिस्तानी इलाकों के किसानों तक पहुंचाया है। जाहिर है वैज्ञानिक कृषि और उन्नत बीजों से ही देश का किसान आगे बढ़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में देश के कृषि क्षेत्र ने काफी तरक्की की है। कृषि को नई सोच के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना काल के बाद कई देशों के कृषि क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन भारत में कृषि क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। इसने अर्थव्यवस्था को बनाए रखा, ऐसा किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और नीतियों की वजह से मुमकिन हो सका है। देश की जनसंख्या बढ़ रही है, पशुओं की संख्या बढ़ रही है, हमारे पास जमीन उतनी ही है, तो आने वाले समय में ज़मीन की कमी हमें बहुत महसूस होने वाली है, मानव की ज़रूरतें बढ़ेंगी। तो हमारा प्रयास ये है कि क्यों ना उस ज़मीन का मल्टीपर्पज़ के रूप से हम इस्तेमाल करें। किसान आधुनिक तकनीकों और मांग के मुताबिक फसल उगाकर अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। जब तक किसान का अनुभव, वैज्ञानिक द्वारा दी गई तकनीक और सरकार की सुविधा साथ नहीं आएगी, तब तक किसानों की मुश्किलें कम नहीं होंगी। इसलिए इन तीनों में तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। काजरी में इन तीनों को एक साथ लेकर किसानों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जोधपुर से हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सनसेट टीवी।